योजना अंतर्गत माफी प्रमाण पत्र वितरण समारोह मधुसूदनगढ़ में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान। समारोह में योजना के अंतर्गत किसानों के कर्ज माफी प्रमाण पत्र किसानों को बांटे गए, जिसमें भारी संख्या में मधुसूदनगढ़ क्षेत्र के किसान उपस्थित थे। हमारे किसान भाइयों ने कोऑपरेटिव सेक्टर, नेशनलाइज्ड बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक जी, श्रीमान पूरन सिंह जी, सुमेर सिंह जी राजपूत, कृपया आने का कष्ट करें। देखिए, जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत जो है आज जो किसान सम्मेलन था और किसानों को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम था, इसमें सिम्बॉल की तौर पर हमने 22 किसानों को अभी प्रमाण पत्र दिया है, लेकिन सभी किसानों का प्रमाण पत्र बनके तैयार है, वो उनको बांटा जा रहा है और बकाया जो है उनके जो भी किसान अनुपस्थित रहेगा उनके घर पर भेज दिया जाएगा। इस बार हमने जो है यहाँ मकसूदनगढ़ के लिए खासकर जो चालू किसान थे, चालू खाते थे जिनके, उनका 1352 का है हमारा 7,88,42,188, ये NPA वाला अमाउंट है, और जो PA वाला अमाउंट है ये जो है 2,88,50,031 है, जो कि 1,288 किसानों का है। टोटल जो है मकसूदनगर तहसील के लिए 2,640 किसानों का अभी फर्स्ट फेज में जो है ऋण माफ खातों में जा रहा है, जो कि 10,76,92,220 रुपया है, और ये जो है योजना लाभित होने के पात्र शेष किसानों के लिए ये जब भी बैंकों से वेरीफाई होकर के फार्म आते जाएंगे, और ये सतत प्रक्रिया है, चलता जाएगा। जल्दी ही सभी किसानों का लोन उनके खाते में, अगर उनका जो NPA खाता है तो उनके खाते में 2,00,000 तक चला जाएगा, और अगर ये खाता है, चालू खाता है, तो वो उसमें से अपना जो पैसा जाएगा उसको निकाल सकते हैं।